देखिए, युवाओं की राय जानना बहुत ज़रूरी था और दिल्ली के युवाओं की सोच क्या है इस बजट को लेकर ये आपने जाना, लेकिन अब आपको आर्थिक राजधानी मुंबई लिए चलते हैं। मोदी सरकार के आज आए बजट से मुंबई के सराफा व्यापारी निराश दिखाई दे रहे हैं। ज्वेलर्स ने कहा कि सोना चांदी के दाम पर टैक्सेस और चार्जेस कम होने चाहिए थे, लेकिन इस पर बढ़ोतरी हुई है। मुंबई के ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं, News24 संवाददाता अंकुश जायसवाल ने बात की है, सुनिए। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। इस बजट से कई लोगों को खुशी मिली है तो कई पर कुछ निराशा जरूर भी है। बजट में सराफा बाजार के व्यापारी क्या सोचते हैं, इस पर हम जानेंगे। हम इस वक्त मुंबई के जवेरी बाजार में हैं, जो कि ना सिर्फ देश का बल्कि एशिया का भी एक सबसे बड़ा सराफा बाजार है। और यहाँ पे सराफा व्यापारियों से बात करते हैं कि बजट से उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले बजट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल, सरकार हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने एक बजट पेश किया। उस बजट में हमारे को बहुत सारी आशाएं थी, बहुत सारा विश्वास था। उसका मुख्यतः कारण कि जो सोना इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, GST की वजह से, सेस टैक्स की वजह से इतना हाई चला गया कि आज इंटरनेशनल मार्केट में सोना 50,000 है और हिंदुस्तान में वही सोना 60,000 है। तो इसकी वजह से आज जो हमारे को NRI जो आते थे यहाँ बिजनेस देते थे, ऐसा माना जाता था कि एशिया का सबसे बड़ा हब है जवेरी बाजार। मेरा ये सवाल है आपसे कि जो बजट पेश किया गया है उसमें आपको जैसे कि आप निराशा हुई है, किस बात पे निराशा हो रही है? हाँ बिल्कुल, सरकार को था कि इंपोर्ट ड्यूटी है, GST है, सब जो भी अलग अलग पॉइंट्स है, कार्ड के जो पेमेंट जो हम करते थे, EMI है, कार्ड की लिमिट जो 2 लाख 5 लाख से 2 लाख की, इस सब पे कहीं ना कहीं कुछ कंसिडरेशन करना था। लेकिन हमारे हिसाब से जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बजट पूरा निराशाजनक रहा और कहीं पर भी कुछ बढ़ाने घटाने की जगह पर सरकार ने उल्टा सेस टैक्स बढ़ा दिया, जो सेस टैक्स की वजह से सोना जो है और भी आज महंगा हो गया, करीबन 1,000 रुपये महंगा हो गया और चांदी में भी इसी तरह महंगी हो गई। आर्टिकल जो आते थे इंपोर्ट करेंगे वो भी महंगे हो गए। तो अच्छा, सोना महंगा हो गया, इसका असर व्यापार पे किस तरीके से पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि आज जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनको महंगा मिल रहा है सोना, और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनको सस्ता मिल रहा है। तो वो जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है और वो उससे काफ़ी व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द ट्रेड। जो ट्रेड है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथ में जाएगा तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड फॉर द पब्लिक ऑल्सो।